हमने ले लिए 1.5 किलो चिकन और साथ ही हमने मसाला इसमें डाला है, 1 पाव टमाटर है और 1 पूरा बंच है लहसुन का और 4 इंच अदरक का टुकड़ा है और 10 अदद हरी मिर्चें हैं। तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना है और यहाँ पे मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी है, 4 अदद दरमियानी प्याज मैंने काटी है और इनको हम ब्राउन करेंगे और जब ये ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। और अभी ये मसाला हम ग्राइंड करेंगे, जैसे मैंने 1 पाव टमाटर डाल ली और लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है और यहाँ पे ये दही रखी हुई है, ये 1 पाव के करीब है ये भी, तो ये भी हम उसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हमने ये शान वालों का बिरयानी, बम्बई बिरयानी मसाला मंगाया है तो इसको भी हम ऐड करेंगे और थोड़े अपने मसाले भी ऐड करेंगे हम लोग। जो प्याज होंगे हम इसमें डालेंगे हम चिकन जो हमने इसमें मिक्स कर दी। जी व्यूअर्स, उस टाइम अजान हो गई थी तो मैंने इसे अपनी वीडियो रोक दी थी। तो मैंने एक बॉल में ये सब कुछ मिक्स कर दिया था, सारा मसाला जो ग्राइंड किया हुआ था और बिरयानी मसाला सब मैंने मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। और साथ ही मैंने यहाँ पे काट लिए हैं आलू, हम आलू भी डालेंगे क्योंकि बच्चे आलू शौक से खाते हैं तो इसमें आलू भी मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 किलो ही हमारे चावल है और 1.5 किलो चिकन है बराबर की हमने रखी है। ये जब हो जाएगा तो फिर चावल अलग से हम बनाकर इसकी तह लगाएंगे। मैंने डाल दिया, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके और ढक देंगे ताकि आलू भी गल जाए और हमारी चिकन भी इसमें हो जाए। जी व्यूअर्स, मैंने साथ ही इसमें मैंने हरी मिर्च और धनिया भी ऐड किया है, उसके साथ ही फिर हम इसकी भुनाई करेंगे और जब तह लगाएंगे तब हम अलग से थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये फाइनली हमारा हो गया है चिकन तैयार, बिरयानी का जो मसाला होता है वो पूरा तैयार हो गया और अब साथ में चावल बनाने लगे जिसके साथ मैं इसकी तह लगाऊंगी। ये देखिए लाइट यहाँ पे कम है तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा सही तरह। और यहाँ पे हमने चावल भिगोए थे तकरीबन 1/2 घंटा भिगोए हम लोगों ने इसको, उसके बाद हम इसके चावल को अलग बनाएंगे। जी इसमें मैंने डाल दिया ऑयल चावलों के लिए और साबुत गरम मसाला डाला है और सफ़ेद जीरा, तो इस थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और उसके बाद फिर जो हमने चावल भिगोए हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हल्की तेज़ आंच पर थोड़ा पका उबलने देंगे, फिर दम पे लगाएंगे इसको, थोड़ा सा भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह भुन जाए। फिर हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पे साथ ही मैंने बिरयानी का मसाला तैयार कर लिया था, चिकन वगैरह गल गई है, आलू भी हमारे हो गए थे तो इस वजह से फिर मैंने इसको ढक दिया है। अब जैसे चावल होंगे तो फिर हम इस पर मिक्स करेंगे और पहले जो दिखा थी इसमें लाइट नहीं थी तो इसलिए मैंने कहा रोशनी कम है। चले अब रोशनी सही होगी तो मैं अपने आपको दिखा दिया पूरा। जी व्यूअर्स, इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है, अब इसको हम ढक देंगे ताकि पानी अच्छी तरह उबल जाए और जो चावल हमने भिगोए हुए हैं वो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्लीज़ मेरा वॉच टाइम पूरा करें और वीडियो पूरी अच्छी तरह लाइक किया करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बहुत सारा प्यार दें। आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मेरे व्यूज़ कम होते जा रहे हैं क्योंकि मैंने 1 हफ़्ता वीडियो नहीं बनाई थी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजम करें। तो जी व्यूअर्स, हमारे चावल हो गए फाइनल। जी व्यूअर्स, हमारे हो गए चावल तैयार, हम इसको तय लगाएंगे चावलों में। और सालन तो मैंने आपको दिखा ही दिया था तो ये देखें तय लगाएंगे और तय के साथ साथ हम ये लगाएंगे, साथ साथ एक तय लगाएंगे, उसके बाद हम टमाटर और थोड़ा सा धनिया वगैरह साथ डालेंगे। तो चलें आगे का शुरू करते हैं मिक्सिंग। जी बस हम लगाने लगे हैं इसमें
और आधे चावल मैंने यहाँ निकाल के रखे हैं। चावल इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जी व्यूअर्स। साथ मैंने टमाटर और ये धनिया पुदीना ऐसे काट के डाला है और ऐसी चाय लगाएंगे हम इसकी जी व्यूअर्स। हमने बस हो गया हमारा तैयार, अब हम इसको दम पे रखेंगे। चलें बस सादे चावल इसके ऊपर जी व्यूअर्स। हम लोग अब फाइनल लुक आ गया इसका, हम लोगों ने कर ली बिरयानी तैयार। तो बस इसको हम दम पे रखेंगे, हल्की आंच पे थोड़ा सा दम आ जाए तो हम इसको चूल्हा ऑफ कर देंगे।